ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जादू इन दिनों लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जहां उनके घर बुलडोजर लेकर पहुंच रही है, वहीं बुलडोजर अब धार्मिक उत्सवों का भी हिस्सा बनता जा रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे थे। तमाम राम भक्त हाथों में त्रिशूल व तलवार लेकर बुलडोजर में सवार हो नाच गा रहे थे। भगवा रंग को लेकर भी युवाओं का जोश चरम पर था। सैकड़ों की संख्या में लोग भगवा ध्वज लहराकर जय श्री राम के नारे लगाते शोभा यात्रा में नजर आ रहे थे। चित्रकूट भगवान राम की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। रामनवमी के दिन चित्रकूट के राम भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हजारों की संख्या में लोग राम जन्म की शोभा यात्रा में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। भगवान राम के जन्म के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में बुलडोजर के साथ साथ कई झांकियां भी शामिल की गई थीं। किसी में भगवान भोलेनाथ नृत्य करते नजर आ रहे थे तो कहीं राधा और कृष्ण अपनी प्रस्तुतियों से जनता का मन मोह रहे थे। शोभा यात्रा के आयोजक व भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्याम गुप्ता का कहना है, शोभा यात्रा में बुलडोजर इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि शहर की जनता देख ले कि यही बुलडोजर उनके ऊपर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। योगी बाबा का बुलडोजर इतना सक्सेसफुल है कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी इसका प्रयोग करने लगी हैं। देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था और ये कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से निरंतर होता चला रहा है। चूँकि चित्रकूट हमारे भगवान राम की कर्मभूमि है और यहाँ का बच्चा बच्चा राम भक्त है और हर के मन में जज्बात रहे हैं। हर साल जिस तरह से भव्यतापूर्वक मनाते रहे हैं, 2 साल की पूरी कसर निकालना चाह रहा है एक एक बच्चा और पूरा नगरवासी। पूरे नगर में धूम है, पूरे नगर में सैकड़ों जगह पे लोगों ने इस शोभा यात्रा के जलपान की व्यवस्था कर रखी है, स्वागत की व्यवस्था कर रखी है। इसमें इस बार हम लोगों ने विशेष किया हुआ है, हमारे क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चल रहा है, वो बाबा जी का बुलडोजर, और इसमें हमने लगभग 10 से 12 बुलडोजर सबसे आगे झांकी के आगे चल रहे हैं। जो एक डीजे भी साथ चल रहा है और उस डीजे में केवल एक ही गाना चल रहा है, चलेला बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। ये गाना चलेगा पूरे रास्ते पे और उसके पीछे भी हमारी झांकियां हैं। झांकियों के पीछे पटा पनहती है, दीवारी नृत्य है, ऐसे हमारी बुंदेलखंडी लोक कलाएं भी इस झांकी में रखी गई हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी में हमारे राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न की एक चौकी होगी जिसकी है जगह जगह पर पूजा अर्चना की जाएगी और लोग प्रसाद पाठ। बुलडोजर का लाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिस तरह से आज हमारे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, हम नगरवासियों को दिखाना चाह रहे हैं कि यही वो बुलडोजर है जो अपराधियों और माफियाओं के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बुलडोजर कितना अच्छा था कि अब वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चलने लगा है और मुझे लगता है कि ये बुलडोजर पूरे भारत में चलना चाहिए। जिस तरह अभी करौली में घटनाएं हुई हैं, ऐसी निंदनीय घटनाओं के लिए बाबा जी का बुलडोजर एक मॉडल है। हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, नगर को बताना चाह रहे हैं कि यही वो बुलडोजर है जो अपराधियों पर नकेल कस रहा है, जिसके डर से अपराधी अपराध छोड़कर कोतवाली में सिलेंडर हो रहे हैं। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।